हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का दिन जो है एक्सपायरी डे था, और आज के दिन जो है करीब करीब जो है 60 से 75% लोगों ने जो है आज के दिन प्रॉफिट किया था क्या किया है, और मतलब करते रहेंगे। जो भी जो है डिसिप्लिन से चलेगा, बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेगा, वो जो है यहाँ पे मार्केट में टिका रहेगा। लेकिन आज मैंने जो है ट्रेड नहीं किया है। आज मतलब कि मेरे इस मतलब आज देखा जाए तो मैं अगर ट्रेड करता तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट में रहता, लेकिन जो है मैंने आज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे जो है मेरा माइंड जो है, जब आपका माइंड जो संतुलन है वो अगर ठीक ना रहे जिस दिन, उस दिन जो है ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि इससे होता क्या है कि आपका जो है लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अगर एक ट्रेडिंग ले ले जाएंगे तो अगर लॉस हो जाएगा तो सोचेंगे कि दूसरा ट्रेडिंग भी ले लूं, फिर दूसरा ट्रेडिंग सोचेंगे, फिर अब जो है हमें जो है लॉस को रिकवर करना है। लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मेरा जो है पहले कई बार जो है बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, और मेरा जो हाईएस्ट लॉस है ना वो एक दिन में जो है 2,300 रुपये है, और बस इससे ज्यादा जो है एक दिन का लॉस मैंने जो है अभी तक बुक नहीं किया है। मैं अपना जो डिसिप्लिन है वो एकदम मतलब कि सब कुछ एकदम डिसिप्लिन से चलता हूँ। अगर तय कर लूँ कि एक दिन में जो है मुझे 500-600 से ज़्यादा अगर लॉस नहीं लेना है तो मैं जो है वो चीज़ नहीं करता हूँ, और वो चीज़ बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता हूँ कि एक दिन में मुझे 500 से ऊपर का लॉस नहीं लेना है। ऐसा कई बार हुआ है, मतलब कि मैं जो है लगभग 2020 से ट्रेड करना चालू किया हूँ, और 2000 मतलब कि जब कोरोना चालू हुआ था लॉकडाउन के बाद से ही जो है मैंने ट्रेड करना चालू किया था, और तब से ही जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और लॉकडाउन के बाद से ही एक्चुअली में मैंने ट्रेड करना चालू किया था, और आज देखा जाए तो 2023 चालू हो चुका है, तो मतलब कि देखा जाए तो पूरा 2 साल जो है कंप्लीट हो चुका है मुझे ट्रेडिंग में ट्रेड करते हुए। और अभी तक मैंने जो भी देखा है, मुझे जो है लगभग लगभग 1.5 साल लग गए अपने माइंड सेट को सेट करने में, कि आखिर उसके बाद ही जो है मैं धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आना चालू किया। उससे पहले जो है मैं बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं था, मतलब लगभग लगभग जो है 50,000 से ऊपर का मैंने लॉस कर ही दिया होगा आज के दिन में। 50,000 जो है आपके पास अगर रहता है तो आप जो है बहुत ही इजी तरीके से जो है लगभग लगभग 5 से 6 महीने जो है धीरे 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 करके जो है आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर एक धीरे धीरे अच्छे ट्रेडर अगर बनने लगे हैं, जैसे कि मैंने जो है 1.5 साल तक 50,000 रुपये लॉस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने करीब करीब 5 से 6 महीना जो है फिर से 50 से 60,000 रुपये किधर इधर उधर से जो है मैंने इकट्ठा किया। एक्चुअली जो है मैं जॉब करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे जो है एक ही जगह से प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं अगर जॉब करता हूँ तो मुझे जो है 20,000 रुपये पेमेंट अगर मिलता है तो उनमें से 4-5 हज़ार रुपये जो है मैं एक्स्ट्रा रख के उस 2-3 महीना जो है रुक के उसके बाद जो है वो पैसा बचा के एक जगह पे रखता हूँ, जमा करता हूँ, 20-30 हज़ार रुपये हो जाए तो जाए, ऐसा करके जो है मैं ट्रेडिंग करना चालू किया था। और क्योंकि अब देखिए जो नॉर्मल इंसान होता है, नॉर्मल मतलब एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, वो जो है उसके लिए जो है 10-20 हज़ार रुपये जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर 10-20 हज़ार रुपये किसी का अगर एक बार में अगर उड़ जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा जो है तकलीफ होता है। तो वो सब देखने में जब सबसे बड़ा जो ट्रेडर को सबसे बड़ा जो मतलब कि एकदम तकलीफ देने वाला चीज़ होता है ना, वो आप ट्रेड में घुसते ही जब वो लॉस दिखाने लगता है ना, उसको एक्चुअली में हमें कंट्रोल करना होता है। वो अगर कंट्रोल हो जाए तो हम ट्रेडिंग में टिके रहेंगे और हमेशा जो है प्रॉफिट करेंगे। वो चीज़ जो है मुझे 1.5 साल लग गया वो चीज़ संभालने में, वो चीज़ संभालने में 1.5 साल तक। सोचिए कि मुश्किल से जब शुरू मैंने किया था ना तो रेंडमली कोई भी ट्रेड ले लेता था। शुरुआत मैंने क्या किया था, 1 रुपये का मतलब कि 1 रुपये जैसे कि निफ्टी 50 में 50 एक स्टॉक जो है स्टॉक बोल रहा हूँ, एक लॉट जो है 50 पीस का होता है, ठीक है। तो अब 1 रुपये का मैंने जो है 50 रुपये में लिया एकदम डीप आउट आउट ऑफ द मनी, और वो जो है मतलब कि लॉस हो गया। इतना बुरा मुझे फील हुआ कि मैं क्या करूं। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि एटीएम ओटीएम ये सब जो होता है ये सब मुझे पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। तो जो भी इंसान अगर ट्रेड करने आ रहा है तो सबसे पहले उसको जो है एक कॉमन सा जो एटीएम ओटीएम ये सब जो है पता ही होना चाहिए। आईटीएम ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी, और आईटीएम मतलब इन द मनी। तो ये तीन तीन चीज जो है जरूर पता होना चाहिए। और देखिए मुझे एक चीज जो है मैं अपना जो भी मेरा बात है वो जो है मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब देखिए मैंने जो है एक चीज देखा है कि आप अगर
एट द मनी में टाइप कर काम कर रहे हैं, इन द मनी में काम कर रहे हैं, या आउट ऑफ द मनी में काम कर रहे हैं। तो एक चीज में कॉमन देखा है, हर एक मतलब कि हर एक जगह पे, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको वॉलेटिलिटी वैसा देखने को नहीं मिलता है। स्लाइटली जो है आप इन द मनी जाएंगे, और स्लाइटली आप अगर आउट ऑफ द मनी जाएंगे, तो आउट ऑफ द मनी और इन द मनी के बीच में, एट द मनी, ये सब में जो है वॉलेटिलिटी जो है ठीक ठाक रहता है। लेकिन आप किसी भी जगह पे अगर इन द मनी में डीप में चले जाएंगे या आउट ऑफ द मनी डीप में चले जाएंगे, तो आपको वॉलेटिलिटी जो है वो एकदम ना के बराबर मिलता है, बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं होता है। अगर आउट ऑफ द मनी में एक बार से अगर ट्रेंड अगर कर गया, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पर अगर आप इन द मनी में अगर ट्रेड करते हैं, तो आपका पैसा धीरे 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 करके भी मार्केट अगर ऊपर जाते रहेगा, तो आपका प्रॉफिट होगा, नहीं कि लॉस तो आप नहीं होंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा हो, आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल परचेस करके रखा है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो वो दिन के लास्ट में वो आपको जो है लॉस ही देके जाने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ बातें था जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो बस मैंने बता दिया। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, और भी मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना जरूर चाहूंगा। ठीक है, चलिए, गुड लक।